Hey guys, this is Ashish Kumar Das. Welcome to our channel Learn with Buddy. Today we are going to discuss phyllotaxy, which is the important subtopic of the morphology of the flowering plants. इससे कई बार नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और क्या होता है कि बच्चे जनरली जो है सो किस फाइलोटैक्सी के कौन से एग्जाम्पल से इसके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं. तो हम फाइलोटैक्सी लर्न करेंगे निमोनिक के साथ. सो बात करें फाइलोटैक्सी के, तो बेसिकली फाइलोटैक्सी जो है सो दो वर्ड से अराइज होते हैं, फाइलोस एंड टैक्सिस. फाइलोस मीन्स लीव्स एंड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट. तो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एदर ऑन द स्टेम और ब्रांच. ध्यान रखने की बात क्या है कि लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम पे भी हो सकता है और ब्रांच पे भी हो सकता है. फाइलोटैक्सी एम्स टू पोजिशन द लीव्स सो टू गेट मैक्सिमम सनलाइट. जनरली हम फाइलोटैक्सी तीन प्रकार के पढ़ते हैं, स्पायरल और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड होल्ड फाइलोटैक्सी. फर्दर अपोजिट फाइलोटैक्सी सब डिवाइडेड इनटू सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी एंड टेकोसेट फाइलोटैक्सी. नाउ लेट्स लर्न ईच फाइलोटैक्सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट और स्पायरल फाइलोटैक्सी. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि जनरली लीव्स जो है सो एक नोट से एक ही लीव्स अराइज करते हैं, बट इन अल्टरनेट मैनर. अगर इस प्लांट में देखें तो क्या हो रहा है कि एक नोट से एक ही लीव्स अराइज कर रहे हैं, बट क्या देख रहे हैं कि इन अल्टरनेट मैनर. अल्टरनेट मैनर मीन्स कि अगर बात करें इस नोट पे तो देख रहे हैं कि ये अगर राइट में है तो दूसरे नोट पे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट राइट इस टाइप से. इसके एग्जाम्पल्स है सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज. इसको हम कैसे याद रखते हैं, सन मस्ट राइज अल्टरनेटली इन चाइना. सन मस्ट राइज अल्टरनेटली इन चाइना. सन से सनफ्लावर, मस्ट मस्टर्ड, चाइना रोज अल्टरनेटली, ऑफकोर्स अल्टरनेट. नाउ लेट्स लर्न अपोजिट फाइलोटैक्सी. इन अपोजिट फाइलोटैक्सी व्हाट हैपेंस, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट अ नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर. मीन्स एक नोड से दो लीव्स अराइज करते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. नाउ लेट्स लर्न सब डिविजन ऑफ द अपोजिट फाइलोटैक्सी. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी. सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं इस प्लांट में कि एक नोट से दो लीफ अराइज कर रहे हैं एंड दे लाई अपोजिट टू ईच अदर. बट इफ यू सी द कंजीक्यूटिव नोट्स, द ऑल लीव्स लाई इन द सेम प्लेन. नाउ लेट्स लर्न डेकोसेट फाइलोटैक्सी. इन डेकोसेट फाइलोटैक्सी देयर ऑल्सो अराइजेज अ पेयर ऑफ लीव्स एट अ नोड एंड लाई अपोजिट ईच अदर. बट इफ यू सी द कंजीक्यूटिव नोड्स व्हाट हैपेंस, हेयर यू कैन इजिली सी दैट इफ द एट दिस नोड द लीव्स आर इन हॉरिजेंटल प्लेन, देन एट द नेक्स्ट नोड दे आर एट परपेंडिकुलर प्लेन. हेयर यू कैन इजिली सी. दिस इज इन हॉरिजेंटल, द नेक्स्ट वन इज इन वर्टिकल प्लेन. So basically, if you see the consecutive nodes, the arrangement of leaves at these two nodes are perpendicular. Basically, they are making an X-like structure. The example of the opposite phyllotaxy is Calotropis and Guava. The trick is call Guava by Oppo. Call say Calotropis, Guava, and of course Oppo opposite. Call Guava by Oppo. The other trick is in DNA, you know C always lie opposite to G, and C for Calotropis, G for Guava. Now let's learn hold phyllotaxy. Hold phyllotaxy में क्या होता है कि एक नोड पे more than two leaves arise होते हैं. अब इस फिगर में देख सकते हैं कि एक नोड से more than two leaves arise हो रहे हैं. एल्स्टोनिया इसका एग्जाम्पल है होल्ड फाइलोटैक्सी का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. कभी कभी क्या होता है नेरियम भी पूछ लिया जाता है. हम होल्ड को कैसे पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड पढ़ सकते हैं. वी कैन रीड इट लाइक वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड मीन्स दुनिया, एल्स्टोनिया.
Let's summarize each phylloxylus mnemonics one by one. In alternate phylloxylus, sun must rise alternately in China. Sunset, sunflower, must, mustard, China, China rose alternately, of course, alternate. Opposite phylloxylus, call guava by oppo. Call means calotropis, guava means guava and oppo means opposite. Dusra trick kya hai? C always lie opposite to G in DNA, C for calotropis, G for guava. And hold phylloxylus, we can read it like world, and world means dunya, dunya, Estonia. कभी कभी नेरियम भी पूछ लिया जाता है. सो इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड यू द ट्रिक एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट.